श्री जी की बड़ी कुंज श्री जी मंदिर रेतिया बाजार में निम्बाक जयंती महोत्सव पर विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित राजाराम मिश्र ने की। उन्होंने कहा कि मानव जन्म का एक ही लक्ष्य है, अखंड आनंद की प्राप्ति, जो हमें भगवान श्री निम्बाकाचार्य द्वारा प्रदत्त माधुर्य उपासना से ही प्राप्त होती है। विद्वत गोष्ठी में उपस्थित विद्वानों तथा रसिक संतों ने भगवान श्री निम्बाकाचार्य जी की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित पवन शास्त्री जी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए वैदिक एवं पौराणिक मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा ने श्री निम्बाक संप्रदाय की उपासना बताते हुए कहा कि भगवान श्री निम्बाकाचार्य प्रभु माधुर्य उपासना के आचार्य थे, जिन्होंने जीव जगत के कल्याण के लिए रसोपासना का मार्ग दिखाया। जी की बड़ी कुंज में विद्वत गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। श्री जी की बड़ी कुंज में निम्बाकाचार्य जयंती महोत्सव 5119वां जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, जो चतुर्दिवसीय कार्यक्रम के रूप में यहाँ संपन्न हुआ। और आज चतुर्थ दिवस है। भगवान श्री निम्बाकाचार्य जी का सिद्धांत, स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किया है, उसके संदर्भ में आज वृंदावन के रसिक संत और विद्वान उन सब ने भाव व्यक्त किए हैं, क्योंकि भगवान श्री निम्बाकाचार्य जी का सिद्धांत जीव जगत के कल्याण के लिए था। तो उन्होंने जो मार्ग दिखाया, कहते हैं महाजनो येन गता सपन्था, महापुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं वही श्रेष्ठ मार्ग होता है। तो भगवान श्री निम्बाकाचार्य जी ने जो हमको माधुर्य उपासना प्रदान की, उसका जो मार्ग दिखाया वो जीव जगत के कल्याण के लिए था। तो आज इसी विषय पर यहाँ विद्वान लोग अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। भगवान श्री निम्बाकाचार्य जी का जो प्रादुर्भाव दक्षिण में हुआ और दक्षिण से आकर के यहाँ ब्रज की तलैटी में निम्बक ग्राम में उन्होंने अपनी तपश्चर्या की और ब्रजवासियों को जो स्नेह प्रदान किया, जो एक उपासना पद्धति प्रदान की, युगल उपासना, माधुरी उपासना, उस पर चल करके जीव अपना कल्याण कर सकता है, भगवत चरणा अनुरागी हो सकता है, और ऐसा भाव उन्होंने सबको प्रदान किया।